हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। आज हम बात करने वाले हैं पपी और डॉगी की जो डाइट प्लान होता है उसके बारे में। बहुत से लोगों को अभी इस बारे में नॉलेज नहीं है। डॉग रख तो लेते हैं, 35-40 दिन 50 दिन का पपी ले आते हैं घर में, लेकिन उसको डाइट सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं। छोटे पपी को अडल्ट डॉग भी दे देते हैं जिससे उसका पेट भी ख़राब हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं और वो उसको बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है वो फीड। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि पपी से उसके सेमी अडल्ट होने तक और सेमी अडल्ट से उसको अडल्ट और सीनियर होने तक उसको कौन सी डॉग फीड कंपनी की दी जाएगी और कौन सा उसको वो दिया जाएगा, उसको दाना डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टर की। जैसे आप 35-40 या 50 दिन का बच्चा लेके आते हैं, किसी भी ब्रीड का हो, छोटी ब्रीड हो या बड़ी ब्रीड हो, तो सबसे पहले उसको अपन स्टार्ट करेंगे स्टार्टर फूड से। ये स्टार्टर में ये दो प्रकार के स्टार्टर आते हैं, मतलब दो तीन प्रकार की कंपनियां हैं जो अपने यहाँ चलती हैं ज़्यादातर। एक ये हो गई रॉयल कैनिन, इसमें मैक्सी स्टार्टर आता है जो प्रेग्नेंट मदर को और छोटे पपी को हम दे सकते हैं। और दूसरा हो गया पेडिग्री का, ये पेडिग्री का भी स्टार्टर है। ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पेडिग्री एक ही प्रकार की आती, तो भाई पेडिग्री अलग अलग प्रकार की आती। ये स्टार्टर हो गया, ये 35 से 40 दिन के बच्चे को लेके, मतलब 21 दिन का बच्चा होता है तब से स्टार्ट की जाती है और 3 महीने तक ये स्टार्टर उसका फीडिंग चलती रहती है। फिर उसके बाद आ जाती है पपी फीड पे, जो कि 3 महीने के बाद से 12 महीने तक दी जाती है। दोस्तों, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको स्टार्टिंग से उसको स्टेप बाय स्टेप उसकी फीड देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 35-40 दिन का बच्चा लेके आ गए, किसी भी ब्रीड की हो, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, लैब्राडोर हो या अदर कोई भी ब्रीड हो, आपको सबसे पहले स्टार्टर से शुरू करना है। यदि ज़्यादा ही छोटा बच्चा ले रहे हो, गलती से आप परचेस कर लेते हो 20-25 दिन 30 दिन का बच्चा, तो आप उसको साथ में सेमोलैक भी दे सकते। ये सेरेलैक आता है, जैसे ह्यूमन के लिए सेरेलैक आता है बच्चों के लिए, ऐसे ही डॉगी के पप्स के लिए आता है। ये पप स्टार्ट भी आता है, ये 15 दिन के बच्चों से लेके 21 दिन के दो तीन महीने तक ये दिया जाता है। तो इसको करना क्या है आपको कि इसको और इसको दोनों को, इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए और दूसरा इनमें से स्टार्टर फीड आप ले लीजिए। तो ये आपको खिलानी है कम से कम 3 महीने तक बच्चे को। जब 3 महीने से ऊपर का हो जाए तो आपको पपी फीड रॉयल कैनिन की भी आती है, ड्रूल्स की भी आती है, पेडिग्री की भी रखी है सामने आपके सामने, ये आपको स्टार्ट करना। और ये पपी फीड आपको मिनिमम कम से कम 12 महीने तक होने तक आपको उसको देना है। फिर आपको करना क्या है, इसके बाद आप 12 महीने के बाद से आप फिर अडल्ट फीड पे आ सकते हो, जो कि लो कॉस्ट, इसका कॉस्ट जो है दोनों से, पपी और स्टार्टर से बहुत ज़्यादा कम रहता है। ये ड्रूल्स कंपनी की है अडल्ट फीड, जो कि आप 12 महीने के बाद दे सकते हो अपने डॉग को। और ये पेडिग्री कंपनी की है, इस पर लिखा हुआ है अडल्ट, तो इसमें पीछे इसके हिसाब से आप दे सकते हो। उसमें पीछे इसका वो लिखा हुआ है कि कितना कितना डॉग को देना है। इसमें नीचे देखिए आप, पूरा मेंशन किया हुआ रहता है यहाँ पे कि कितना कितना डॉग को देना है, कैसा क्या करना है, कितनी डाइट देना है। तो आप इसको फॉलो करके ही अपने डॉग को दीजिए डाइट। इसमें एक मेन खासियत ये रहती है इसमें कि अडल्ट में आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें 20% प्रोटीन है, 10% फैट है। इसमें फैट और प्रोटीन का रेशियो कम कर दिया जाता है और सबसे ज़्यादा स्टार्टर और पपी में रहता है प्रोटीन और फैट का रेशियो। तो बस आपसे इतनी ही गुजारिश थी कि आप इसी को फॉलो करिए, ना कि किसी अनजाने कोई भी ब्रीडर से पपी परचेस कर रहे हैं तो आप उसको यही डाइट प्लान कर रखिए। आपका पपी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा और ना ही उसको लूज मोशन या कुछ भी अदर बीमारी लग पाएंगे। थैंक यू।